चावल का आटा ले रही हूँ मैं, इतना लेना है जैसे कि तुम लोगों को लगे, दो तीन रोटी बनाने के लिए ले लेती हूँ। इसको अच्छे से मैं आटे को अच्छे से करूँगी, मस लूँगी तो रोटी टूटती नहीं है। अच्छे से मस लेंगे ना तो रोटी नहीं टूटती है। चावल की रोटी बना रही हूँ आज, गुजराती खाना है चावल की रोटी, तो मेरे किचन में आज चावल की रोटी बन रही है। देखना दोस्तों, इसे अच्छे से मैं फेंट रही हूँ, मसाला लगा रही हूँ। देखो इसको मैं अच्छे से मसाला रही हूँ, ऐसे मसलने का तो रोटी टूटती नहीं है बराबर से। देखो आटा हो गया, अब इसमें पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। पानी डाल रही हूँ अभी, अभी इतना गाढ़ा रखना है कि रोटी बन सके उतना ही गाढ़ा रखना है। तो अभी आटा गूंद लिया है मैंने, देखो ऐसे करके देखने का, रोटी बनने लायक रहना चाहिए। एकदम गाढ़ा रखना भी नहीं, एकदम पानी जैसे ही नहीं, मीडियम रखना है इसको आटे को। देखिए कितना अच्छा हो गया है, एक रोटी बन गई है। इसको मैं निकाल के दिखा रही हूँ, इसको पलट दी हूँ रोटी को, पक गई है। अभी मैं दिखा रही हूँ कैसे बनाना है रोटी को। तो देखिए दोस्तों, देख कितना अच्छे से रोटी बन गई है, ना गाढ़ी ना पतली। इसको थोड़ा एक दो सेकंड के लिए ढक देते हैं, अच्छा लगेगा चावल की रोटी खाने में, मजा आएगा। पनीर के साथ खाओ, किसी भी सब्जी के साथ खाओ, मजा आ जाता है। देखिए अभी ये रोटी हो गई है, रखी थी तो अभी थाली निकाल दी। ये देखो कितनी अच्छे से निकल रही है। बहुत बढ़िया बन गई है रोटी, ये देखो एकदम मस्त रोटी बन गई है। चावल की रोटी खाना है तो आ जाइए, खिला दूंगी बना के। गुजराती खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है बनाने में। देखो आटा ऐसे करते रहने का, इतना गाढ़ा होना चाहिए इतना। ये रोटी भी बन गई है, इसको निकाल देती हूँ। तो यहीं एंड करता हूँ। जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और जो मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय आदिवासी।